एक और हदीस अपने यहाँ बहुत चल रही है, बहुत मशहूर है, जबकि वो हदीस है ही नहीं, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोग बयान करते हुए यहाँ तक कहते हैं, जबकि वो हदीस नहीं है, लेकिन बात बहुत मशहूर है। लोगों में गलत चीज़ जल्दी फैल जाती है, और हम और आप ले भी लेते हैं। दुनियावी मामले में रुपया पैसा कोई चूना लगाता तो ज़रा उलट पलट के देखते कि भाई नोट असली है कि नकली है, लेकिन दीन के मामले में हम और आप सब कुछ ले लेते हैं और अकल भी नहीं लगाते। अगर अकल लगाइएगा तो वो बात खुद ब खुद गलत होगी। जैसे एक चीज़ अपने यहाँ बहुत मशहूर है कि आदम अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया, ये बात बहुत मशहूर है। ये हदीस कहाँ है, ये बात कहाँ है? मुस्तदरक हाकिम किताब तवारीखिल मुतकद्दमीन मिनल अंबिया वल मुरसलीन हदीस नंबर 4228, हदीस नंबर 4228। रावी ने कहा कि ये जो रिवायत है, लौला मोहम्मदुन मा खलक्तु, अगर मोहम्मद ना होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आए आदम मैं आपको पैदा नहीं करता। फिर इसी तरह उसी में यह भी लिखा हुआ है, आपने दुनिया की सबसे मखलूक बेहतरीन मखलूक को मेरे दरबार में वसीला लगाया है, कद गफर तो लक, आए आदम मैंने तुझको माफ कर दिया। अल्लामा अल्बानी रहमहुल्लाह कहते हैं सिलसिला अहदीस ज़ईफा में हदीस नंबर 25 के तहत, ला असला लहू, यह हदीस सही नहीं है। इसके अंदर है अब्दुर्रहमान बिन जैद बिन असलम, तकरीब तहजीब के अंदर लिखा हुआ है, तर्जुमा नंबर 3879, ज़ईफ। ये जो आदमी हदीस बयान कर रहा है अब्दुर्रहमान बिन जैद बिन असलम, कमजोर है, ज़ईफ है। अब यहां मैं एक जुमला और बयान कर दूं, और अगर भूल जाऊंगा तो बता दीजिएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे मौली साहब हदीस ज़ईफ है तो क्या हुआ, ज़ईफ तो है ना, और ज़ईफ का माना होता है कमजोर, तो क्या दादा घर के अंदर कमजोर रहेंगे तो मार के भगा दीजिएगा? ऐसे लोग दलील देते हैं, भाई दादा घर के अंदर रहेंगे ना। तो अब ऐसे लोगों के लिए मेरी तरफ से भी एक दिमागी तौर पर है जो मैंने कहीं सुना, घर के अंदर दादा हैं जो ज़ईफ हैं कमजोर हैं, और घर के अंदर चाचा हैं जो ताकतवर हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मार्केट में सामान खरीदने दादा जाएंगे या चाचा जाएंगे? अरे बोलिए ना भाई, ताकत चाचा के पास है कि या दादा के पास है? चाचा के पास है, लेकिन दादा घर के अंदर बैठे रहेंगे, हम भगाएंगे नहीं, लेकिन काम किससे चलाएंगे? चाचा से। ज़ईफ हदीस बैठी रहेगी, सही हदीस से काम चलाना है। दादा घर के अंदर रहेंगे लेकिन काम कौन करेंगे? बात समझ में आई? ज़ईफ और सही हदीस लोग अक्सर दलील देते। अल्लामा अल्बानी रहमहुल्लाह कहते हैं इस हदीस की कोई असल नहीं। और जो दुआ आदम व हव्वा की दुआ है अलैहिमा सलातु वस्सलाम, सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 23, काला, दोनों ने कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, दोनों ने कहा ऐ हमारे रब, हमने अपने नफ्स को पर जुल्म किया, अगर तू नहीं बख्शेगा रहम नहीं करेगा तब तो हम घाटा पाने वाले में से हो जाएंगे। तो इस दुआ में, कुरान की इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कहाँ है? अरे वाकई अगर वो बात उतनी ही अहम है तो कुरान की आयत के अंदर एड होता कि ऐसे ऐसी दुआ मांगे। अल्लाह ने हर चीज का जिक्र किया और इसी का जिक्र नहीं किया? तो मेरे भाइयों, ये सब चीज हवा हवाई है, जो हदीस नहीं है, हमें और आपको इसे जरा सतर्क रहना चाहिए।